पिछले वीडियो में हमने डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सेक्शन को डिज़ाइन किया था, इस वीडियो में हम कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने एडिटर के अंदर, और जहाँ पर हमने डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सेक्शन को एंड किया हुआ है, वहाँ से एक नई कमेंट बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन सेक्शन स्टार्ट। यहाँ से हम कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। डीआईवी बनाते हैं, आईडी देंगे इसे कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस आईडी कॉपी करते हैं, कॉपी किया और सीएसएस में आते हैं अपनी में। सीएसएस के अंदर यहाँ पे इस जगह डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन के बाद हम पेस्ट कर देते हैं हमारी आईडी, कंट्रोल आर करेंगे, ठीक है। कंट्रोल आर करते ही ये एक बॉर्डर आ गई, ठीक है, ये हमारा कनेक्टिविटी सेक्शन बन गया। अब इसके अंदर बनाते हैं कॉलम, सबसे पहले इसको एक हेडिंग देते हैं, कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन। इसका कलर चेंज करेंगे, कलर ग्रे, कंट्रोल आर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से इनपुट बॉक्स बनाने हैं कनेक्टिविटी सेक्शन का, ये रहा। सबसे पहले वाईफाई का ऑप्शन, ठीक है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वेट, वेब कैमरा, कीबोर्ड, वारंटी, ठीक है। टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए हमें, टेबल सेक्शन। टेबल सेक्शन के अंदर ये सारे फील्ड बनाएंगे, टेबल सेक्शन एंड, उसमें बना देते हैं हम टेबल। क्लास देंगे इसको टेबल, टी आर के अंदर बनाएंगे टी डी के अंदर बनाएंगे हम वाईफाई। तो इसको लिखते हैं 6 वो हमने किसके अंदर लिखा था, जो टच स्क्रीन बनाया है हमने वो किसी में भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको S6 की जगह हटा देते हैं इसको, और इसको डायरेक्ट लिखते हैं वाईफाई। नेक्स्ट TD बनाते हैं, कोर TD के अंदर पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ के अंदर लेबल, लेबल के अंदर इनपुट टाइप होगा रेडियो, नेम होगा इसका वाईफाई, आईडी होगी इसकी यस, वैल्यू होगी यस, ठीक है। स्पैन बनाते हैं 4 यस, और इस स्पैन में वैल्यू डालते हैं यस। अगर वाईफाई है तो यस पे क्लिक करेगा, नहीं तो नो पे क्लिक करेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, जो ये पी है इसको एक ही TD के अंदर देखते हैं, लग के ये भी वाईफाई, ये नो हो जाएगा, इसमें वैल्यू नो जाएगी। यहाँ पे हमें दिखाना है नो, ठीक है।
कंट्रोल आर, वाईफाई, यस नो, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, अलग ही टीडी में बना लेते हैं, एक और टीडी बनाते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल आर, ठीक है, अब सही हो गया। नो, यस, ठीक है, ये आ गया वाईफाई का। वाईफाई के बाद हमारे पास है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के लिए वही कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इसको यहाँ कर देंगे पेस्ट। इसको चेंज कर लेते हैं इसको ब्लूटूथ, नेम हो गया इसको ब्लूटूथ। आईडी वही, यस नो, और ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल आर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया ब्लूटूथ के लिए। इसके बाद हम बनाते हैं ब्लूटूथ के बाद हमारे पास है वेट। वेट के लिए वही अगली लाइन में लेने के लिए टी आर लगाएंगे, टी आर के अंदर टी डी, टी डी में हम बनाएंगे लेबल, और लेबल के अंदर लिखते हैं वेट। वेट है इनपुट टाइप टेक्स्ट, वेट एंड आईडी देते हैं इसको वेट, ठीक है। वेट के बाद आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा वही नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए टी आर बनाते हैं, और इसके अंदर ये टी डी कॉपी कर लेते हैं, वही जो रेडियो बटन के लिए हमने बना रखी है कॉपी, और इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे इस वाले टी आर के अंदर। नाम, नाम है वेब कैमरा, वेब कैमरा, रेडियो बटन, इसका नाम है वेब कैमरा, ठीक है। कंट्रोल आर करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल आर, ये वेट के लिए आ गया और ये वेब कैमरे के लिए आ गया, ठीक है। अब वेब कैमरा के बाद हमारे पास है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड, इसके टाइप देखने पड़ेंगे कीबोर्ड के, लैपटॉप टाइप, कीबोर्ड में हमारे पास चार टाइप के कीबोर्ड है, जिसमें से एक ये है चिपलेट। इसको बनाते हैं हम यहाँ पे वेब कैमरे के बाद बनाएंगे, तो टी आर के अंदर टी डी के अंदर हम बनाएंगे लेबल,
लेवल में लिखते हैं कीबोर्ड, और इसको बनाएंगे सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। सेलेक्ट बॉक्स में इसको नाम देते हैं कीबोर्ड, आईडी देंगे इसे कीबोर्ड, ऑप्शन इसको कर देंगे सेलेक्टेड एंड डिसेबल, इसमें लिखते हैं सेलेक्ट कीबोर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शन बनाते हैं हम, पेस्ट कर देंगे, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा है फाइन टिप कीबोर्ड, इसको पेस्ट कर देंगे, दूसरा हो गया। तीसरा टाइप है टेक्सचर आईलेस आईलैंड स्टाइल कीबोर्ड, पेस्ट कर दिया। ओह कॉपी नहीं हुआ है तो कॉपी, अब इसको पेस्ट करेंगे पेस्ट, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड, कॉपी किया, ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे कंट्रोल आर करते हैं, कंट्रोल आर, पेज लोड हो रहा है हमारा, ठीक है। और ये हमारा आ गया कीबोर्ड, जो भी हमारे पास कीबोर्ड है वो आ गए। कीबोर्ड के बाद हमारे पास क्या चीज़ है, वारंटी। वारंटी कितने की है, कितने टाइम तक इसकी वारंटी है। वारंटी के लिए बनाते हैं हम इसमें वारंटी बनाते हैं, वारंटी हम अगले टीडी में बनाएंगे इसी लाइन के अंदर। लेबल वारंटी, और वही सेलेक्ट बॉक्स कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट नाम चेंज कर देते हैं वारंटी सेलेक्ट वारंटी, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि वारंटी है सिक्स मंथ, बारह मंथ, और सिक्स मंथ हो गई, वन 12 मंथ हो गई, और इसे देते हैं नो वारंटी कर देते हैं इसे, नो वारंटी, ठीक है। ठीक है, आ गया सेलेक्ट वारंटी 12 मंथ। एक मिनट देख लेते हैं, जो हमने इससे पहले जो एक वो बनाया था मोबाइल एसेसरीज, इसके अंदर वारंटी में क्या क्या दिया है। प्रोडक्ट विदाउट वारंटी 6 मंथ 12 मंथ, ठीक है। इस वाले को हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट विदाउट वारंटी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वारंटी का सेलेक्ट बॉक्स। वारंटी में है हमारे पास 6 मंथ है, 12 मंथ है, और विदाउट वारंटी है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन के लिए, और अगले वीडियो में हम इस सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो में हम एक और काम करना है। ये तो हो गया कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन तक। अब इसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन आता है, एक और सेक्शन के अंदर हम इस एलआई को कॉपी करेंगे। इसके बाद आती है
प्राइस इंफॉर्मेशन, कंट्रोल आर, और प्राइस के बाद आएगी फोटो अपलोड। ठीक है, ये दो टैब और बना दिए हमने हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड के अंदर जो मेन्यूज के अंदर दो लिंक और ऐड कर दिए, जिसमें एक प्राइस इंफॉर्मेशन के लिए सेक्शन बनेगा, एक इमेज अपलोड के लिए बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इससे जो अभी सेक्शन बनाया है उसको डिज़ाइन करते हैं और अगले लिंक पे काम करते हैं। ठीक है।